बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेड का हलवा। बहुत मज़े का बनता है, एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पैन में एक गिलास दूध ऐड करेंगे। हाफ कप चीनी ये ऐड कर देंगे और इसका मिक्सचर बना लेंगे हम। इसे तब तक कुक करेंगे कि चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए और दूध और चीनी का एक मिक्सचर बन जाए। दूध और चीनी का मिक्सचर रेडी हो गया, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब दूसरे पैन में ये देसी घी है, आधा कप ये डालेंगे। पूरा मैंने नहीं डाला और आप भी देख लीजिएगा जब हम ब्रेड इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद बाकी का अगर डालना व ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे। तीन इलायची हैं, सब्ज़ इलायची ये डालेंगे और जब तक ये क्रैकल होती हैं तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। नौ से दस ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उन्हें इस तरह से क्रम्स बना लिए। अब ये हम ऐड करेंगे इसमें और इसे फ्राई कर लेंगे। आप देसी घी के अलावा दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन अगर देसी घी यूज़ करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत मज़े का आपको लगेगा। अब ब्रेड को फ्राई कर लेंगे, ये ब्राउन जब हो जाएगी फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। ब्रेड अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, इसका कलर वाइट से ब्राउन हो गया, ये देखें, और इसमें क्रस्ट भी बन गया। अब हम इसमें जो दूध और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। इस वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, वैसे आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। और ये थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। फ्लेम को फिर मीडियम पे कर देंगे। और जब तक ये दूध इसमें ड्राई हो जाए तब तक के लिए हम इसे ढक के कुक कर लेंगे। इसे कवर कर दिया। दूध ड्राई हो चुके हैं, अब इसे दोबारा से क्रस्ट बनने तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रम्बल फॉर्म में आ जाए। ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और सॉफ्ट सा ना रहे, जैसे सूजी का हलवा सॉफ्ट होता है वैसा नहीं हमें इसे बनाना। क्रस्ट आने तक इसको फ्राई करते हैं। दूध पूरी तरह ड्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें हम
ऐड करेंगे ये ग्रेटेड कोकोनट है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा जितना आप खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ कटे हुए बादाम हैं और किशमिश है, ये ऐड कर दें और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हलवा बन के रेडी हो गया और देखें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, क्रम्बली है और क्रस्ट भी इसमें बना है। आपने सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। अब इसे हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। हलवा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और आपको ज़रूर पसंद आएगी और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।